दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, गति देने वाला, दिशा देने वाला, अच्छा संस्कार देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिर करके उठना। हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापना करना। पुनरुत्थान में प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। कभी भी बासी विषय के बारे में चिंतन नहीं किया जाता है, यानी पुनः नहीं दिखाया जाता। रोज नए नए एपिसोड्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंदर रोज नए विषय प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी क्रम में आज का हमारा विषय एक सामाजिक बुराई से संबंधित है। आज हमारा विषय है भ्रूण हत्या महापाप। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है भ्रूण हत्या और महापाप। सबसे पहले हम देखेंगे कि भ्रूण किसे कहा जाता है। इसका मेडिकल साइंस के आधार पर इसकी विवेचना क्या है और इसका दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है। पहले मैं दार्शनिक दृष्टिकोण की बात करता हूं कि माता का रज और पिता का शुक्र, ये दोनों दार्शनिक दृष्टि से अलग अलग आत्माएं होती है। जब ये आत्माएं इंटरकोर्स के समय में मिलती है तो ऐसी बहुत सी आत्माएं इंटरकोर्स में, बताया जाता दार्शनिक दृष्टिकोण में कि 9 लाख जो है ऐसी आत्माएं एक इंटरकोर्स के समय के अंदर वो जो अंडज के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसमें से एक या दो ही सफलता प्राप्त करके अंडज के अंदर प्रवेश करते हैं और उसमें से मात्र एक ही जो अपने स्पर्म होता है, वह स्पर्म जो है वो जाकर के शुक्र जो है वो जाकर के आगे जो है एम्ब्रियो बनता है, आगे जो फाइटस बनता है, आगे भ्रूण बनता है। तो ये दोनों अंडज और ये शुक्र, स्पर्म जो पिता का है और अंडज माता का है, मादा है, और ये जो दूसरा जो है मेल और फीमेल है, जब ये आपस के अंदर दोनों आत्माएं मिलती है तो दोनों मर जाती है और मर करके तीसरी आत्मा जो है एम्ब्रियो के रूप के अंदर, भ्रूण के रूप के अंदर जो है, फोइटस के रूप के अंदर वो जन्म लेती है और धीरे धीरे वो मादा के गर्भ के अंदर विकसित होती है और विकसित होते 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 9 महीने के बाद में वही फोइटस, वही भ्रूण या वही एम्ब्रियो जो जाकर के जो है वो एक बच्चे का रूप धारण करता है। ये भ्रूण की जो दार्शनिक परिभाषा है। अब मेडिकल साइंस के आधार पर देखा जाता है तो ये दोनों चीजें मिलती है लेकिन वो आत्मा का रूप नहीं लेते हैं। वो कहते हैं, मतलब वो सीधा एम्ब्रियो के ऊपर आ जाते हैं कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, फोइटस की फॉर्मेशन होती है, भ्रूण की फॉर्मेशन होती है और वो धीरे धीरे विकास की ओर गति करती है। उसके अंदर आत्मा का कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर मेडिकल साइंस के अंदर सीधा भ्रूण पे आ जाते हैं। खैर जो भी हो, ये भ्रूण है। अब क्या होता है कि हमारे कुछ समाज के अंदर बुराइयां हैं, ये बुराइयां प्रारंभ से चली आ रही थी। पुराने समय के अंदर ये माना जाता था कि जो लड़का होता है वो घर में रहता है और लड़का वो जो है धन कमाता है, संपत्ति कमाता है और जीवन भर माता पिता के साथ रहता है और माता पिता की सेवा करता है, और जो लड़की होती है वो पराया धन कहलाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है, इसीलिए लड़के को प्रिय माना जाता था। लेकिन आज का सिनेरियो उल्टा है। आज लड़के घर में रहते हैं और वो ब्याह करके बहू लाते हैं और जो लड़की होती है वो पराया धन होने के कारण दूसरे घर में ब्याह दी जाती है। लेकिन जो आजकल का जो सिनेरियो ज़्यादातर देखा गया है, लड़की माता पिता के प्रति जो है बहुत सहानुभूति, प्रेम और आदर रखती है, इसीलिए माता पिता की उसे बहुत चिंता रहती है और प्राय यह देखा गया है कि वृद्धावस्था के अंदर जो है वो पुत्रियां जो है, बेटियां हैं, वो माता पिता की अच्छी सेवा करती है और हर क्षण उनको माता पिता के सुख सुविधा का ध्यान रहता है। तो अब इस तरीके से
जो समाज की बुराई कहिए या समाज के अंदर ये गलत भावना कहिए ये बैठी हुई है। तो पहले जमाने में क्या था कि लिंग परीक्षण का इतनी सुविधा नहीं थी, मेडिकल साइंस डेवलप्ड नहीं थी, लेकिन आजकल मेडिकल साइंस इतनी डेवलप होती है कि फोइटस के बनने के बाद के अंदर 45 दिन के बाद के अंदर वो मालूम पड़ जाता है कि नर है या मादा है, लड़का है या लड़की है। तो आजकल सरकार ने कानून भी बना दिया और बड़े बड़े अक्षरों के अंदर हर जगह हर हॉस्पिटल के अंदर, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, वहाँ लिखा जाता है लिंग परीक्षण नहीं होता है, भ्रूण हत्या महापाप है। और सरकार ने इसको वैधानिक भी माना है, मतलब संवैधानिक इसको जो है वो एक मान्यता दी है कि जो भ्रूण हत्या करवाएगा या लिंग परीक्षण कराएगा वो उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी छुपके छुपके बहुत से कार्य होते हैं, अबॉर्शन हो जाते हैं, उनको लिंग को गिरा दिया जाता है। तो इस तरीके से जो जो भ्रूण हत्या कब की जाती, जब जब वो फोइटस तैयार हो जाता है और अबॉर्शन करके उस फोइटस को बिफोर टाइम जो है वो जो ही जानकारी हो जाती कि मादा है तो उसको बिफोर टाइम ही गिरा दिया जाता है ताकि वो लड़की पैदा ही नहीं हो। अब देखिए भाई और बहनों ये कितना बड़ा महापाप है। दार्शनिक दृष्टिकोण कहता है, हमारे भारत के सारे स्क्रिप्चर्स ये कहते हैं, हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ ये कहते हैं कि पंचेंद्रिय जीव होता है, वही बाद में एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है और मनुष्य के रूप में उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, उसको जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। ये सबसे बड़ा महापाप है, ये घृणित कार्य है, ये निंदनीय कार्य है। और वास्तव के अंदर सरकार को देखना चाहिए कि ये वही हत्या है, किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, छुरा भोंक दिया जाता है, ये वही सेम है, क्योंकि वही बच्चा 9 महीना पूरे होकर के और बच्चे का रूप धारण करके मनुष्य बढ़ करके मनुष्य का रूप धारण करता है। तो भाई और बहनों दर्शकगण, इस महापाप को हमें रोकना है। अब देखिए इस महापाप के दुष्परिणाम क्या आ रहे हैं। यह हमारी जो चराचर जगत की प्रकृति है, ये मेल और फीमेल दो भागों में बटी हुई है, ये स्त्री और पुरुष के अंदर बटी हुई है, ये नर और मादा के अंदर बटी हुई है, चाहे मनुष्य हैं या चाहे दूसरे प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कितने भी प्राणी हैं, उसके अंदर भी नर और मादा का विकास आता है। मादा जननी होती है, मादा जो है बच्चे को जन्म देती है, चाहे स्त्री मादा हो, पशु मादा हो, पक्षी मादा हो, कोई भी हो, चींटी हो, कोई भी हो, हर एक में मादा होता है, तो वो उसको जन्म देती है। तो जन्म देने वाली पूजनीय होती है, वो माँ कहलाती होती है, वो स्तुति है, वो वंदनीय है। अब लेकिन प्रश्न यह है कि आज दुष्परिणाम कितने आते हैं कि इस गृहस्थी रूपी गाड़ी को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दो पहिए हैं और दो पहिए के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, दो हाथों को इसको मिलाए बिना ताली नहीं बजती है, दोनों का होना ये जरूरी है, इन दो के बिना सृष्टि नहीं चलती है, इन दो के बिना सृष्टि बनती नहीं है, सृष्टि बढ़ती नहीं है और कोई कार्य नहीं होता है। और धार्मिक ग्रंथों में तो यहां तक आ गया है कि शादीशुदा स्त्री पुरुष के बिना जो है कोई भी धार्मिक मांगलिक कार्य जो है वो किया भी नहीं जाता। यानी हमारी जो भारत की जो पारिवारिक व्यवस्था है, शादी की व्यवस्था, उसको वैधानिक सामाजिक रूप से मान्यता दी गई, धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, व्यक्तिगत दृष्टि से इसको मान्यता प्राप्त है। हमारा जो स्वाधार संतोष, एक स्त्री के साथ में संतोष करना, एक पुरुष के साथ संतोष करना, इसको संवैधानिक रूप से जो है मान्यता दी गई और एक एक अच्छा सिस्टम है, एक अच्छी व्यवस्था है। तो अब देखिए कि जब भ्रूण गिरा दिए जाते हैं मादा के तो कैसा असंतुलन पैदा होता है कि धीरे धीरे आज मादा की संख्या घटती जा रही है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनुष्यों को देखें तो लड़के और लड़कियों का जो रेशियो देखें, स्त्री और पुरुषों का रेशियो देखें, तो वो 45% और 55% तो पुरुष है और 45% जो है स्त्री आ गई। तो इस असंतुलन से क्या होता है कि लड़के बड़े हो जाते हैं, कंवारे रहते हैं, शादी के लिए
लड़कियां नहीं मिलती उनको, क्योंकि ये जो है कार्य किसने किया, ये घृणित कार्य मानव जाति ने किया, स्वयं ने किया, दुष्परिणाम जो है वो स्वयं ही भुगते हैं। बहुत से घरों के अंदर 30-30, 35-35 साल के लड़के हैं वो कंवारे बैठे हैं, क्योंकि लड़कियों की कमी है। हर समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर लड़कियों की कमी होती जा रही, उसका मुख्य रूप से कारण जो है ये भ्रूण हत्या है। और इस भ्रूण हत्या के बारे के अंदर सरकार, एनजीओ, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े धार्मिक लोग, चिंतक लोग, सभी ये चिंता जता रहे हैं कि ये कुकृत्य है, ये महापाप है, इसको रोका जाना चाहिए, परंतु ये रुक नहीं रहा है। और सबसे बड़ा नहीं रुकने का कारण है कि इसके अंदर स्त्री ज्यादा जिम्मेवार है, जो एबॉर्शन कराती है, जो भ्रूण को गिराती है, और डॉक्टर के पास के अंदर जो असंवैधानिक रूप से जो है इल्लीगल रूप से जो परीक्षण कराती है उसमें भी स्त्री साथ होती है। यानी ये माना गया है सर्वे के बाद के अंदर कि भ्रूण हत्या के अंदर ज्यादातर रोल योगदान स्त्री का ही है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम काफ़ी गहन चिंतन के अंदर चले गए थे। अब हम थोड़े समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे ताकि कि जो हमारी जो है जागरूकता बढ़ जाए। या उसका सहयोग करने वाली स्त्री है, देखिए स्त्री का जो है वो अहित कर रही है। इसके अंदर मनुष्यों की गलती बहुत कम है, होती होगी, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं है, लेकिन गलती जो है इसके अंदर स्त्रियों की ज़्यादा है, इसको रोका जाना चाहिए। इसलिए स्त्रियों के अंदर वातावरण बनाना चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए, और अच्छी पढ़ी लिखी स्त्रियां एनजीओ के माले महिला परिषदों के माध्यम से, महिला मंडल के माध्यम से जो है इनके अंदर जागरूकता पैदा करें कि ये कार्य जो गलत है और ये हमारे अहित के अंदर है। लड़की होगी तो निश्चित रूप से जो है वो माता पिता की अच्छी सेवा करेगी, माता पिता की जो है वो चिंता रखेगी। और दूसरा क्या होता है, एक लड़की होती है तो वो लड़की करुणा की मूर्ति होती है, वो दो घरों को पनपाती है। वो युवा होने तक माता पिता के साथ में रहती है, घर का सब काम करती है, माता पिता को स्नेह देती है और उनकी लाडली होती है, उनकी आदरणीय होती है। और घर के अंदर, जिस घर के अंदर उसको बुलबुल कहा जाता है, उसको लाडो कहा जाता है, और जिस घर के अंदर लड़कियां होती है वो चहचहाता घर होता है। मात्र लड़कों से घर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि स्त्री एक अच्छा रूप है, ईश्वर का है, रूपवान होती है, करुणाशील होती है, सुंदर होती है, और उसके जीवन की जो है वो ईश्वर ने जो है अलग ही एक विधा लिखी होती है। और कुल मिलाकर के बात यह है कि इस संसार का संतुलन 50-50% नर और मादा के रूप में ही होता है, चाहे पुरुषों का ले हो, मतलब मनुष्यों का संसार का ले हो, चाहे पशु पक्षियों का ले हो, चाहे जो है आप पशुओं का ले हो। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये तो हमने सारी विवेचना की कि भ्रूण हत्या महापाप है। अब प्रश्न ये है कि इस एपिसोड के माध्यम से हम जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो हम बताना चाहते हैं। क्या निष्कर्ष है हमारा, क्या हमारी शोध है, और क्या हमें मैसेज देना है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये हमने मान लिया कि ये महापाप है, ये कृतघ्नता है, और ये एक ऐसा कसूर है जो कि हमें नरक गति के अंदर ले जाता है, क्योंकि ये पंचेंद्रिय प्राणी की हिंसा है। जब सभी दृष्टियों से देखा जाता है कि ये पाप है, घृणा का कार्य है, दंडित है, समाज के अंदर निंदनीय है, फिर भी हो रहा है। देखिए, समाज की ऐसी स्थिति है कि सभी तरीके से रोक लगा दी है, फिर भी छुपके छुपके असंवैधानिक रूप से बहुत से कार्य हो रहे हैं। जैसे कि हमारा नशे की बात को कहें, वो भी इसी तरीके से नशा के ऊपर कई प्रांतों ने, सरकारों ने रोक लगा दी है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब पर, लेकिन फिर भी
ऊंचे दामों के ऊपर, दो नंबर के ऊपर असंवैधानिक रूप से, इलीगल रूप से वो बिक्री यूं की हो रही है, ये तो अब सब जनता का मामला, कुछ नहीं किया जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि हमें एक सोच को डेवलप करना है, इस हम सोच को कैसे डेवलप करेंगे, इस सोच को डेवलप करने के लिए हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा, हमें ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, डिस्प्ले के द्वारा, मेडिकल साइंस के आधार के ऊपर सभी जो है प्रकरणों के माध्यम से हमें जनता को और जनता में खासकर स्त्रियों को हमें ट्रेनिंग देनी है कि यह कार्य बिल्कुल गलत है, 100% ये नुकसान का कार्य। और दूसरा जिसका एबॉर्शन किया जाता है, एक सबसे बड़ा मेडिकल साइंस की दृष्टि से हमें स्त्रियों को बताना है कि ये सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जिसका भ्रूण गिराया जाता है, एबॉर्शन कराया जाता है, उसकी सुंदरता के ऊपर बहुत बड़ा असर आता है, उसकी सुंदरता, उसकी जो आभा जो है ना वो गिर जाती है। और दूसरी बात है, ऐसी स्त्री हमेशा भीतर जो है वो गिल्टी कॉन्शियस रहेगी। देखिए कि कोई कार्य हम कर रहे हैं, ईश्वर कोई देखे या ना देखे, लेकिन ईश्वर तो हर कार्य को देखता है, चाहे वो कार्य छुप करके गुफा में किया जाए, चाहे वो अंधेरे में किया जाए या काल कोठरी में किया जाए, जो उसको ईश्वर यानी हमारी आत्मा जो है वो उसको देखती है और उसका दंड जो है वो अशुभ कर्मों के रूप के अंदर हमें मिलता है। तो ये ट्रेनिंग देखिए, एक तो आभा गिरती है, रूप गिरता है, और दूसरा क्या है कि इसका स्वास्थ्य पे बड़ा कुप्रभाव होता है कि व्यक्ति का जो जो पूरा जो उसका जो मादा का सिस्टम है, पेट कहना चाहिए और इससे जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ये अननेचुरल चीज़ होती है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि एबॉर्शन कराने वाली स्त्रियों के फिर संतान होती नहीं। देखिए ईश्वर भी दंड देता है कि तुमने ऐसा घृणित कार्य किया है तो तुम्हें संतान के सुख से वंचित किया जाता है, क्योंकि पाप का घड़ा हमेशा भरता है और पुण्य का घड़ा होता है वो बहुत ही लाभान्वित करता है, खुद को करता है, समाज को करता है। तो ऐसा घृणित कार्य जो किसी भी एंगल से देखो, वो हमारे जो है वो पुण्य पाप की दृष्टि से देखो, समाज की दृष्टि से देखो, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखो, सरकार की दृष्टि से देखो, असंतुलन की दृष्टि से देखो, दुख की दृष्टि से देखो, सभी तरीके से ये बात सिद्ध होती है कि ये जो घृणित कार्य, इसलिए इसको महापाप की संज्ञा दी गई है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसा सुंदर विषय जो है इसके बारे में लिखा जाना चाहिए, इसके बारे में सब मेरिट्स डीमेरिट्स बताई जानी चाहिए, ऐसे पुस्तकें तैयार की जानी चाहिए, ऐसे होल्डिंग्स बनने चाहिए और उसके साथ साथ के अंदर ऐसे ऐड दिए जाने चाहिए, चाहे पेपर का हो, चाहे जो है वो हमारा टीवी माध्यम हो, प्रिंट मीडिया हो, या हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो भी साधन हो, इस बुराई को रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए, स्कूल के लेवल पर, कॉलेज के लेवल पर। और सबसे बड़ी बात, एक काम हमें ये करना चाहिए कि जो ऐसा घृणित कार्य कर रहा है, जो स्त्री अबॉर्शन करवा रही है या उसको सहयोग में ले जाने वाली स्त्री है या जो डॉक्टर जिसका परीक्षण करता है, इन सब चीज़ों को हमें ऊपर कड़ी नज़र रखनी है कि ऐसे समाज के कौन से कंटक है, उनको हमें चयन किया जाना चाहिए और उसकी शिकायत जो है हमें सरकार के पास में ले जानी चाहिए, और ताकि कि सरकार उसको दंडित करे। और इस विषय के अंदर इस एपिसोड के माध्यम से हम सरकारों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि सरकारें कड़े से कड़ा कानून लगाए, जिस तरीके से जो किसी का मर्डर किया जाता है, कत्ल किया जाता है, जो कानून के ऊपर उसकी उम्र कैद होती है या सजाए मौत होती है, तो वैसी की वैसी ऐसी सजाए मौत जो है इस रूप में भी दी जानी चाहिए, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि ऐसा घृणित कार्य मैं नहीं करूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि समाज को बनाए रखने के लिए, समाज के संचालन के लिए वो शाम दाम दंड भेद सभी नीतियां, चाणक्य की जो नीति है वो लगानी पड़ती है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि भय बिना प्रीत नहीं, समाज में हम व्यवस्था बिठाना चाहते हैं तो समाज का भय होना बहुत जरूरी है,
और पनिशमेंट जो है सबसे बड़ा भय है, जेल के रूप के अंदर सजा के रूप में ये सबसे बड़ा जो पनिशमेंट भय के रूप में, इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना चाहिए। सरकार इसके बारे में बहुत कार्य कर रही है, सरकार बहुत सचेत है, और लेकिन फिर भी इस कानून को जो है बहुत ज़्यादा कड़ा किया जाना आवश्यक है। अब थोड़ा हम निष्कर्ष की बात के ऊपर आते हैं कि भ्रूण हत्या होने से देखिए कितना बड़ा नुकसान होता है कि हमारे समाज के अंदर नर और मादा का जो रेशियो है ना, वो प्रतिदिन घटता जा रहा है। अब उसके घटने से क्या होता है कि बराबर संतुलित हो जाता है, तो स्त्री पुरुष की जो है हमारी परिवार की व्यवस्था के शादी के रूप के अंदर बड़ा हो जाता है। जब ये रेशियो घट जाता है तो दूसरे अनैतिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, चोरी छुपके अनैतिक कार्य होते हैं, चरित्रहीनता के कार्य हो जाते हैं। तो चरित्रहीनता के कार्यों को रोकने के लिए जैसे कि वेश्यावृत्ति है, यह भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वेश्यावृत्ति कब पनपती है, देखिए कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर चार पुरुषार्थ कर गए हैं, कहे गए हैं काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम होता है इस युवा अवस्था की, इस शरीर की कहिए एक जनरेशन है, एक आवश्यकता है, ये बायोलॉजिकल है। और दूसरा अर्थ होता है वो समाज की व्यवस्था के लिए, व्यक्ति की व्यवस्था के लिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। और धर्म है हमारे विकास के लिए, और मोक्ष जो है वो हमारा साध्य है। तो इन सब पुरुषार्थ के बीच के अंदर जो हमारा जो काम जो है ना, वो भी इसके अंदर, ये तो एक प्राकृतिक चीज है, तो व्यक्ति किसी न किसी रूप से इसकी पूर्ति करता है। तो जो शादी नहीं होती तो इलीगल होता। आज देखिए जो ये रेप के मामले इतने ज़्यादा हो गए हैं, जब किसी अखबार को उठा करके देखें, टीवी को उठा कर देखें, तो हमारी पूजनीय जो बहन बेटियाँ हैं, जो वंदनीय हैं, स्तुति है, जो ईश्वर का रूप है, दुर्गा का रूप है, जो कि लक्ष्मी का रूप है, सरस्वती का रूप है, और उसका जो हम चरित्रहीन करते हैं, उसकी बेचारे की हम जो है एक सामाजिक प्रतिष्ठा को गिराते हैं, उसके ऊपर कलंक चढ़ाते हैं। तो ऐसा भी, ये भी एक घृणित कार्य है, ये घृणित कार्य भी इस भ्रूण हत्या से, इस रेशियो के गिरने से जो घटा है, ये भी एक कारण है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में ले जा ला रहे हो, इसको सुन रहे हो, और इसके अंदर प्रतिदिन राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, व्यक्तिगत किसे संस्कारों से, सभी तरह के टिप्स, स्वास्थ्य के सभी तरह के टिप्स दिए जाते हैं सुधार की। हमारा मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को सुधारना है, जगत कल्याण करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, और जो है वो आपको खूब चिरायु हो, दीर्घायु हो, शतायु हो, और खूब समाज की शतायु होकर क्या आप करें, आप समाज का परोपकार करें, समाज की सेवा करें। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।